नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अफसरनामा में इस बार बात करेंगे 2016 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर राहुल नरवाल के बारे में। बेरी में एसडीएम है, किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं ये युवा अधिकारी, वो सब कुछ दिखाएंगे आपको। यहाँ लगातार अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं 2016 बैच के आईएएस अधिकारी युवा अधिकारी राहुल नरवाल के बारे में, और बेरी की बात कर रहे हैं। सब डिविजनल है यहाँ बेरी और यहाँ ई सरल केंद्र। सर, इसके बारे में बताइए किस तरह से काम कर रहा है यहाँ। अंत्योदय सरल केंद्र है जहाँ पे एक ही खिड़की के नीचे, एक ही छत के नीचे पब्लिक को सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। सीधे और सरल शब्दों में जो भी सब डिवीज़न लेवल के काम हैं, चाहे वो आरसी बनवाना, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, लाइसेंस बनवाना, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। इंटीरियर में अमूमन ये माना जाता है, चाहे वो नेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, इस तरह की दिक्कतें यहाँ नहीं आती, लोगों को समस्या नहीं होती। नहीं, हमारे पास UPS बैकअप है, और अगर लाइट की कोई इशू रहता है तो UPS बैकअप कवर कर लेता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बेरी में इंटीरियर में अमूमन हमने आपको दिखाया कि किस तरह से, चाहे ई सरल केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन सब डिवीजन लेवल पे किस तरह का काम होता है। SDM साहब बता रहे हैं कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अफसरनामा लगातार जारी है। देखिए, बेरी में अगर बात करें, एक बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। भीमेश्वरी, श्री भीमेश्वरी देवी मंदिर, लाखों लोगों की आस्था है, पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं, और SDM साहब ने खास तौर से श्रद्धालुओं के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव किए हैं, उनकी तो बात करेंगे ही। सच में ये एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है क्योंकि लाखों लोगों का आना जाना होता है। हाँ, मेला मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनके रहने का, खाने का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें, क्यू में आए, किसी तरह का कोई स्टैम्पेड ना हो जाए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उनको दर्शन हो जाए, यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। जब मेला लगता है, दो साल में दो बार मेला लगता है नवरात्रों के टाइम पे, और उस समय काफ़ी भीड़ आती है। तो यहाँ सुविधाओं के लिहाज से बात करें श्रद्धालुओं की, तो क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो की गई हैं, और आगे आपने प्लान किया है कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और क्या क्या चीज़ें ऐसा आपने सोचा है यहाँ? यहाँ पे देखिए, जब व्हेन आई ज्वाइंड तो यहाँ पे शेड्स नहीं थे, जो बाहर शेड देख रहे थे आप ग्रीन कलर के, वो नहीं थे। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं थी, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमने टॉयलेट फैसिलिटीज़ बना के दी, शेड्स बना के दिए, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट करके दिए, और पंखे लगवा के दिए। और दूसरा, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से रैंप बन जाएगा, जब आप कभी नवरात्रों में आएंगे तो हम यहाँ बीच में पिलर्स लगा देते हैं ताकि मूवमेंट एक साइड से होते रहे। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस लेवल को उठा दिया जाएगा और तीन तरह से हम रैंप बना देंगे, तो तीनों मूवमेंट एक साथ चलेगी ऐसा। तो जिस तरह से SDM साहब बता रहे हैं, क्योंकि ये श्रद्धा का, आस्था का बड़ा केंद्र है श्री भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी में, और पूरे देश भर से यहाँ लोग आते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज भी हो जाता है। और जिस तरह से लोगों की आस्था को, मैं आस्था और सुविधाओं दोनों को ध्यान में रखना होता है, तो एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। SDM साहब कह रहे हैं कि सुविधाओं को उन्होंने यहाँ बहुत सारी शुरू भी किया है और कई सारा विजन है, और लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। एक बड़ा इनिशिएटिव, एक बड़ी शुरुआत SDM साहब की तरफ से हुई है बेरी में, खासकर बेरी के वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपने जो सिस्टम बनाया है, क्या क्या है ये? एक्चुअली क्या है कि जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट की प्रॉब्लम हर म्यूनसिपल कमेटी में है, इट्स नॉट अबाउट कि बेरी में, भादुरगढ़, हर जगह है कि वहाँ पे जगह नहीं बनती है, ठीक है, जितनी भी म्यूनसिपल कमेटी है, कि वेस्ट लेके कहाँ जाए सॉलिड लिक्विड वेस्ट। तो हमने यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन स्ट्रक्चर बनाया है। वेस्ट सेग्रीगेशन स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, साथ में हमने क्या किया है कि किचन वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, उससे हम कंपोस्ट बनाएंगे।
स्वच्छ बनाने में यकीनी तौर पर बड़ा योगदान मिलेगा। अफसरनामा लगातार जारी है। एसडीएम साहब ने एक बड़ा शानदार इनिशिएटिव लिया इलेक्शन के दौरान, ये देखिए कि एक आदर्श बूथ बनाने की कोशिश की कि ताकि लोगों में खासकर लोकतंत्र को लेकर, वोटिंग को लेकर उत्साह बने। पूरा स्कूल का रूम है जिसे ट्रेन के डब्बे में कन्वर्ट किया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्या किस तरह से उत्साह मिला? हाँ बिल्कुल, ये वोटर अवेयरनेस हमारा जो स्वीप एक्टिविटी है उसका ही पार्ट था। और कोई भी आप वोट डालने जाओगे तो हमारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ एक चीज़ होती है, तो उसमें अगर आप इस तरह की चीज़ देखोगे तो यू कैन फील कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि हाँ जी मैंने वोट दिया है। आप एक ट्रेन के डिब्बे में वोट डाल के जाओ या दूसरी जगह जाओ, तो इस तरह से आपका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये एक मॉडल पोलिंग स्टेशन इसलिए भी था कि ये कंसेप्ट कि लोकतंत्र की ट्रेन, इस तरह से मैंने सोचा था और इसको बूथ को ही मैंने ट्रेन के डिब्बे में पेंट कर दिया गया। शानदार। सर अगर बात करें या एजुकेशन खासकर क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, किस तरह की ऐसी स्कीम्स हैं खासकर बच्चियों के उनके पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए? हाँ जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पे मिड डे मील फर्स्ट थिंग, स्कॉलरशिप्स जो रेगुलरली दी जाती है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को यानी शेड्यूल कास्ट गर्ल्स को। तीसरी चीज़ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा अभियान चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, तो उसमें भी ये रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जितने भी है, मेरा एक सजेशन भी हो सकता है कि जितने भी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है उनको एक मॉडल स्कूल की तरह हर सब डिवीज़न डेवलप करे, तो वो एक मैसेज दे सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हरियाणा लेवल पे, कि भाई इस तरह से भी हमारी जो बेटियां हैं वो किस तरह से पढ़ रही है और एक मॉडल स्कूल के रूप में कैसे विकसित कर रही है। बड़ी बात। तो इस तरह से एजुकेशन स्तर पर उसके लेवल को सुधारने के लिए भी एसडीएम साहब ध्यान रखते हैं। और क्या कुछ बेरी सब डिवीज़न में बदलाव हुए वो भी दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं युवा अधिकारी 2016 बैच के आईएएस डॉक्टर राहुल नरवाल। सब डिवीज़न को हमने अमूमन अफसरनामा में आपको दिखाया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से, चाहे वो उपायुक्त महोदय हैं या एसपी हैं, वो किस तरह से संभालते हैं व्यवस्था को, लेकिन गांव का जो एक डिवीज़न होता है 40-50 गाँवों का, उन वहाँ नीचे तक चीज़ों को ले जाना, चाहे वो सरकारी स्कीम्स हों या फिर दूसरी चीज़ें हों, कैसे लिया जाता है? सर आपसे जानना चाहेंगे एसडीएम के तौर पर खासकर आपकी सब डिवीज़न में ये जो जिम्मेवारियों की बात करें, क्योंकि अमूमन हमारा जो ये शो है वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को तो देखते ही हैं, इसके अलावा लोगों के खासकर स्टूडेंट्स के अवेयरनेस के लिए एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूँ लगा लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोर्ट केसेस की मैं बात करूँ वो है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम इज़ द इम्पॉर्टेंट लिंक इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा एक कोऑर्डिनेशन लिंक है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट सही तरह काम नहीं करें सब डिवीज़न में, देन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सही तरह कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करें। चौथी चीज़ कि तहसील, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पब्लिक के लिए, तहसील कम्स अंडर तहसीलदार एंड तहसीलदार रिपोर्ट टू एसडीएम, तो तहसील की वर्किंग, और साथ में मैं ये कहूँगा कि मोटर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बनाना, ये सारी एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस तरह से यूँ लगा लीजिए कि एसडीएम इज़ द फर्स्ट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन डीसी एंड पब्लिक। अगर डिप्टी कमिश्नर को ये लगेगा, डिप्टी कमिश्नर सर को, कि भाई इस पर्टिकुलर सब डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम है, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू आंसर। तो आपके सब डिवीज़न में कितने गांव? हमारे सब डिवीज़न में 39 विलेजेस। 39 विलेजेस की गांवों की जो जिम्मेवारी है एसडीएम साहब के कंधों पर होती है। इसके अलावा रिवेन्यू का जिक्र किया,
रिवेन्यू में किस तरह के, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कि कई सारे सुधार की गुंजाइश है, भूमि सुधार, ये ढेर सारी बातें होती हैं, मुआवजे की दिक्कत, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। आपके सब डिवीज़न में क्या की स्थिति है? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल आपकी सारी बात सही है कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने क्या किया है कि मोस्टली लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज कर दिए हैं। जैसे हैरिस के बारे में आप देखोगे, हैलरिस के बारे में देखोगे, तो आज आपको यूँ नहीं है कि जो आज से 10 ईयर्स पहले चीज़ें होती थी, आपको किसी अपने गाँव के या खेत की केवट जो होती है उसका कोई आपको नंबर लेना है तो आप जाइए और नकल निकलवा लीजिए, ठीक है? तो पहली चीज़ ये। दूसरा, किसानों का मुआवजे की बात है, तो अब वो सिस्टम ये नहीं रहा कि भाई लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उन पे सारी बात छोड़ दी गई है। डिजिटलाइजली मनी आता है और वो डिजिटलाइज उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसमें कोई मिडल मैन और किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तीसरी चीज़ जो रेगुलरली गिरदावरी एक वर्ड है, यानी कि क्रॉप का असेसमेंट, कितनी क्रॉप कहाँ पर कितनी कितनी हुई, कौन कौन सी क्रॉप हुई, तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट में नई ऐप तैयार किए, गिरदावरी के नाम से ऐप है। तो अब पटवारी जो हैं हमारे, वो मैन्युअली गिरदावरी नहीं करेंगे, अब वो टैब के थ्रू गिरदावरी करेंगे। उसमें डाटा फीड होएगा, डाटा डायरेक्टली चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में जाएगा और वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं, और ये जो रिवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, हमने सुना कि कुछ रिवेन्यू रिकॉर्ड 2016 में जल गया था, उसे आपने बड़ी मतलब उसको हासिल किया, फिर उसको रिकॉर्ड में रखा, वो क्या था? हाँ, देखिए 2016 में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स किसी इंसिडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब किसी गांव, 3-4 गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर जल जाए तो इट्स लाइक प्रॉपर तरीके से ना तो उनके पार्टीशन केसेस हो पाएंगे, ना ही इंतकाल हो पाएगा, ना ही रजिस्ट्री दर्ज हो पाएगी। तो 3 साल से जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की अपडेशन हो जाए, उसकी परमिशन मिल जाए, और उतना होने के बाद ही आप ये सोचिए कि जो चीज़ें दिखती नहीं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की अपडेशन हो गई और रेवेन्यू रिकॉर्ड फिर से तैयार हो गया, यानी कि पब्लिक की बहुत सारी ग्रेवेंस 3-4 गांवों की ख़त्म हो गई। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर वो क्या प्रेरणा रही। राहुल नरवाल डॉक्टर थे, डॉक्टर से यूपीएससी की सेवा में ऐसी कौन सी चीज थी जो लेकर आए, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। युवा आईएएस अधिकारी डॉक्टर राहुल नरवाल के बारे में अफसरनामा में हमने दिखाया ये आपको कि किस तरह से बेरी सब डिवीज़न में उन्होंने काम किया है। अपने स्तर पर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी और दिखाई भी। इसके अलावा एसडीएम की जिम्मेवारी हैं, आपको रूबरू कराया, और सबसे हम आपको बता दें कि दरअसल जिस तरह का मकसद है अफसरनामा का वो आप लोग जानते ही हैं कि युवा अधिकारियों को, खासकर बड़े अधिकारियों को जो पूरे देश का सिस्टम चलाते हैं, वो इस कार्यक्रम के जरिए आपसे रूबरू होते हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं। सर, एक और बात जानना चाहेंगे कि क्या इंस्पिरेशन रही यूपीएससी में आने की? देखिए, इंस्पिरेशंस, मैं एज ए वेटनरी सर्जन जॉब करता था और मैंने लगभग 2 या 2.5 साल जॉब की वहाँ पे। तो इंस्पिरेशन ये था कि कॉलेज तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। वहाँ पे गाँव में जाने के बाद और वेटनरी सर्जन की जॉब करने के दौरान शुरू के 3-4 महीने में मैंने ये देखा कि जो पब्लिक ग्रीवेंस है, रूरल प्रॉब्लम्स, अर्बन प्रॉब्लम्स, वो इस तरह से है कि एज एन वेटनरी सर्जन आपका फ्रेमवर्क सिर्फ छोटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेटनरी सर्जन काम वो नहीं कर सकता, सर्विस टू द नेशन हर कोई दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, या कोई स्वीपर है अगर वो काम अपना अच्छे तरीके से कर रहा है तो वो सर्विस टू द नेशन ही है मेरे हिसाब से। लेकिन बस मैंने वहाँ पे देखा कि थोड़ा लार्जर फ्रेमवर्क के लिए मुझे यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहिए, और जितना हम यहाँ पे अपने समाज, पब्लिक, देश, इन सब चीज़ों को हम रिटर्न कर सकते हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसी सर्विस होगी, गवर्नमेंट सर्विस, जो चीज़ें इस तरह से हम कर सकते हैं। तो समाज सेवा, ये आपके जहन में था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप सेवा कर सकें। ऐसे लोग जो इस यात्रा में
जिनको आप याद करना चाहें, जिनकी खास भूमिका रही कि अगर इन लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद इतना बड़ा मुकाम हासिल ना होता? हाँ जी बिल्कुल, अब मैं फैमिली की बात करूँ तो डेफिनेटली फैमिली एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स के रूप में मेरे बहुत सारे 2 या 3 क्लोज फ्रेंड हैं। जब मैंने 2 इंटरव्यू दिए और मैं इंटरव्यू से वापस आया, तो ऑब्वियसली जब UPSC एक बहुत स्ट्रगल वाला प्रोसेस है, ये प्री दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, जब आप इंटरव्यू से ड्रॉप हो जाते हो तो इट हर्ट्स। हम कंप्यूटर तो है नहीं, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो उसमें आपको एक इमोशनल ड्रेन आउट ना हो आपका, और आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोबारा से तैयारी करने का वो बना रहे। बहुत से लोग छोड़ जाते हैं या फिर दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फैमिली एक सपोर्टिंग पिलर हमेशा बन के ही रही। फ्रेंड्स किस तरह से मदद करते थे? फ्रेंड्स का यही है कि भाई सबसे बड़ी मदद उनकी ये है कि जब मेरी प्रिपरेशन ना हो तो वो मेरे टच में नहीं होते थे, ठीक है, दे लेस डिस्टर्ब मी, ठीक है, और वो जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था तो हम रेगुलरली टूर्स पर जाते थे, लाइक गुवाहाटी, शिलोंग, केरला, राजस्थान, तो इस तरह से मेरा रिफ्रेशमेंट हो जाता था। एक और बात जानना चाहेंगे सर, कि कोई इस तरह का इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी घटना, या अमूमन इंटरव्यू कोई माना जाता है मेन, उस पर छोटी छोटी बातों पर आपका भविष्य, आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट तय होता है, कुछ उस दौर की घटना याद है आपको, इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन या कुछ इस तरह की बात जो हमारे दर्शकों तक आप शेयर करना चाहें, पहुंचाना चाहें? हाँ, इंटरव्यू मेरा, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया और मेरे हर बार इंटरव्यू में कम मार्क्स आए, ठीक है, लेकिन एक इंटरव्यू की ये घटना थी कि जब क्या कहते हैं कि मुझसे मेरा राहुल नाम का मतलब पूछा गया था, तो उस टाइम मेरे को क्लिक नहीं किया था, और जब मैं कॉलेज में था तो नॉर्मली जो मेरा इंटरेक्शन होता था वो कहते कि राहुल शाहरुख खान का नाम होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तो उस टाइम मैंने कॉलेज में सीखा था कि राहुल का नाम का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे मेरे क्लिक कर गया कि राहुल का नाम का मतलब क्या है। तो ड्यूरिंग जो इंटरव्यू है, UPSC प्रिपरेशन है, वो एक ज़िंदगी में है, आप ज़िंदगी में क्या सीख रहे हो, आप चल रहे हो तो स्वीपर से आप क्या सीख रहे हो। जब हम कॉलेज में गए थे तो मुझे एक और घटना याद है, जब हम कॉलेज में एंट्री कर रहे थे तो एक माली था, तो वो काम कर रहा था, तो हम मतलब खूब जो कॉलेज का माहौल होता है उस तरह से जा रहे थे, तो माली ने हमें रोक के ये बोला था कि बेटा पढ़ लेना, नहीं तो मेरे से ऊपर नहीं जा पाओगे, तो वो एक क्लिक करा था वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें पूछी गई UPSC में कि क्या ऐसा इंस्पिरेशन आपको ऐसा लगा कि भाई कोई इंस्पिरेशन थॉट आपके राहुल नाम का मतलब, तो ये जो आप जिंदगी में सीखते हो यही एक UPSC है, UPSC और कुछ है नहीं। जवाब क्या दिया राहुल का? राहुल का मतलब होता है कि वो एक ऐसा प्यार का धागा जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। अच्छा। शाहरुख खान नहीं होता है। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा राहुल। अच्छा ये एक और बात बताइए सर, के ये जो यहाँ तक, क्योंकि अमूमन बड़ी हार्ड प्रिपरेशन मानी जाती है, तो उस दौरान अपने को रिजुनिवेट करने के लिए, हालांकि आपने बताया कि चले जाते थे दोस्तों के साथ, और ऐसी क्या चीज़ थी जो ताकत देती थी, ऊर्जा देती थी? हाँ बिल्कुल, मैं मूवी देखना, मैं मूवी बफ हूँ, मैं आज भी रेगुलरली थिएटर्स जाता हूँ, मूवी देखता हूँ, तो मैं प्रिपरेशन के दौरान भी मूवी रेगुलरली देखता था, एंड मैं क्रिकेट मैं कॉलेज लेवल पे इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ हूँ, तो मेरे लिए क्रिकेट भी एक तरह का सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट थी, तो वो करना मेरे को अच्छा लगता था। उस टाइम मैं दूसरी बुक्स नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने अब वो हैबिट अपने में डाल ली है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स देखना, तो मूवी और एक क्रिकेट मेरे लिए, मतलब UPSC तैयारी मुझे नहीं लगता कि बंद कमरे में हो सकती है, UPSC आपको बैलेंस करना सिखाती है, आप अपनी जो चीज़ें आप हैबिट डेवलप कर रहे हो, खेल रहे हो या रीडिंग कर रहे हो या कोई भी ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, आप उस हॉबी को मत छोड़िए UPSC के साथ साथ। तो UPSC इज़ नॉट कि आप 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे कमरे में बंद होके पढ़ो और सुबह उठोगे या 6 महीने बाद उठोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। UPSC एक ये प्रोसेस है कि आपको अपनी चीज़ों में और अपनी हैबिट में इम्प्रूवमेंट लानी है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो सिर्फ क्रिकेट खेलो, UPSC की तैयारी भूल जाओ, मतलब कि UPSC की तैयारी के दौरान अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्रिकेट पे फोकस रखो, बुक्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, बुक्स तब दिमाग में हो जब आप UPSC की टेबल पे बैठे। क्या बात, मतलब फोकस रखें अपने आप को, जो काम कर रहे हैं उसी को करें। अच्छा एक हम सर एक सवाल पूछते हैं अपने, खासकर जो UPSC एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या टिप है आपके लिए, आपकी तरफ से?
यूपीएससी के लिए कोई टिप या ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये मैंने टिप दे दी और वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा, ठीक है। मंजिल एक है, रास्ते बहुत है यूपीएससी क्लियर करने के। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये। अगर आप चाहते हैं कि IAS या IPS या कोई भी सर्विस ज्वाइन करना, तो लगे रहिए, कंटिन्यूस एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इम्पॉर्टेंट है। और एक रिक्शा वाले का लड़का भी यूपीएससी बन सकता है, यूपीएससी का रिजल्ट क्लियर कर सकता है, यानी कि एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। और एक जो हायर इनकम क्लास का लड़का है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। तो मेरी नज़र में क्रिकेट और यूपीएससी इज़ ए गुड इक्वलाइजर। कैसे? क्योंकि वो एक उतनी ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्रिकेट में आप बैटिंग कर रहे हो तो बैटिंग करते हुए आप उतनी ही बॉल खेलोगे जितना आप खेल सकते हो। यूपीएससी भी रिच और पुअर में कोई डिवाइड नहीं करता, ठीक है। उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए ये नहीं है कि ये अगर रिक्शा चलाने वाले का लड़का है या ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का है। अगर आप में टैलेंट है, आपने इतनी समझ है, तो यूपीएससी अचीव हो जाएगी। फिर ये जो फ़र्क, बहुत सारे लोग यूपीएससी के लिए लाखों छात्र बैठते हैं और उसमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, तो ये फ़र्क कहाँ आता है? किस चीज़ का फ़र्क? जैसे कि लाखों ने प्रिपरेशन की और हज़ारों भी सिलेक्ट हुए, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मेहनत और इसके साथ एक लक भी फेवर करता है, इस तरह की चीज़ मानते हैं आप? मैं लक से ज़्यादा ये कहूँगा कि उस दौरान एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें क्लिक करी। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मेरे साथ वाले बच्चे ने मेरे से ज़्यादा पढ़ा, लेकिन उस पढ़ी हुई चीज़ को किस हिसाब से अच्छे तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल के पेपर्स पे लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो लक से ज़्यादा ये है कि आप कितनी तरह, कितनी साफ सफाई से और कितने बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में क्लब करके लिख सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो यूपीएससी क्लियर नहीं किया और जिसका यूपीएससी क्लियर हो गया, कोई फ़र्क नहीं है। वो आज हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा स्टार्टअप कोई शुरू करके और पब्लिक सर्विस कर रहा हो, और कोई अगर यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो वो टीचर बन गया हो, और टीचर बनके वो देश का भविष्य सुधार रहा हो। तो यूपीएससी इज़ लाइक कि हर किसी को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आप फेल नहीं कहूँगा, अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते तो वो आपका एंड नहीं है लाइफ का, वो दूसरा एक पड़ाव था, अब दूसरी ज़िंदगी शुरू हो गई, आप उसमें अच्छा कर सकते हो। बहुत शानदार बात है, ये बड़ी शानदार बात है। अमूमन क्या होता है कि जब हम किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो एक निराशा हमें घेरती है, लेकिन मंजिलें और भी हैं। सर ने बड़ी शानदार बात कही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।